तो मैंने कोशिश की है ऑप्शंस का प्रीमियम हम लोग अगर चेक करेंगे ना तो हम लोग को सब चीज़ क्लियर निकल दिखेगा। ये निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है जिसमें निफ्टी में आज यहाँ पे ब्रेकआउट नज़र आ रहा है ना। अब देखिए ब्रेकआउट जब आया तो निफ्टी कंटिन्यू ऊपर की तरफ भागा। बहुत बार क्या होता है मार्केट थोड़ा ऊपर जाकर वापस नीचे की तरफ गिर जाता है। समझ में कैसे आया कि कौन सा ट्रेड हम लोग को होल्ड करना है, ट्रेड को कंटिन्यू रखना है और कौन सा ट्रेड को छोटा प्रॉफिट लेके निकल जाना है, इस चीज़ को अच्छे से समझने की कोशिश की। यहाँ के चार्ट में हम लोगों को कुछ वैसा क्लियर नहीं समझ में। हम लोगों को क्या समझ में आया था कि ये इसका रेसिस्टेंस है, ये रेसिस्टेंस, ये रेसिस्टेंस, या रेसिस्टेंस से रिजेक्ट होकर नीचे गिर जाएगा। काफी लोगों के दिमाग में ये आ रहा था, लेकिन देखिए इसको भी तोड़ के मार्केट ऊपर की तरफ जाता ही गया। अब ये कंटिन्यू ऊपर की तरफ गया। अब ऐसा जगह पे हम लोग को कैसे समझ में आया कि हम लोग को ये ट्रेड को होल्ड करना है या फिर एग्जिट ले लेना है। देखिए यहाँ पे हम लोग स्पॉट चार्ट देखेंगे बैंक निफ्टी मतलब निफ्टी का 22,200 सीई और पी, ठीक है 22,200 कॉल आउटपुट दोनों है हम लोग के पास। तो कॉल में हम लोग का प्रीमियम चार्ट में यहाँ पे क्या ब्रेकआउट आ रहा है, ठीक है ब्रेकआउट है, कंटिन्यू ऊपर जा रहा है। अभी कंटिन्यू ऊपर की तरफ जाता ही रहेगा कि नहीं रहेगा ये हम लोग को कैसे क्लियर होगा, हम लोग पुट के चार्ट में देख लेंगे। पुट के चार्ट में हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है कि पुट का चार्ट में यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन देखने को मिला, ठीक है। अब इस जगह पे इसका कोई भी सपोर्ट नहीं है। अगर प्रीवियस में पास्ट में कोई सपोर्ट वगैरह होता ना तो फिर वहां पे मार्केट रुकता। प्रीवियस में कोई सपोर्ट वगैरह नहीं होने की वजह से क्या हो गया, ये कंटिन्यू गिरता गया और ये तो रुक नहीं रहा है ना। तो कॉल साइड में पुट साइड में कोई सपोर्ट नहीं है, ठीक है। और मार्केट कहाँ पे ऑल टाइम हाई पे है, तो ये अपना गिरता जा रहा है पुट, क्योंकि यहाँ पे कोई बाइंग का इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा और कॉल साइड का प्रीमियम बढ़ता जा रहा है। तो जब भी आपको ऐसा नजर आए ना कि मार्केट में कोई अपोजिट डायरेक्शन में आपका ट्रेड में कोई सपोर्ट नहीं मिले जहाँ पे वो आके रुके, क्योंकि देखिए ट्रेड ये रुकेगा कहाँ पे, इसको जब तक कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा तो रुकने वाला है नहीं। बायस इंटरेस्ट कहाँ दिखाएंगे, कुछ कुछ तो मिलना चाहिए इसको। अब यहाँ तो पास्ट में कुछ है ही नहीं तो क्या हो रहा है, यहाँ पे तो कोई एंट्री ले नहीं पा रहा पुट साइड में। अपना अपोनेंट तो पूरा एकदम हार चुका है, अब विनिंग में कौन है, कॉल साइड। तो इसके वजह से क्या हो गया ना, यहाँ पे भी मार्केट नहीं रुका है, इसको भी मार्केट तोड़ के क्या हो गया, कंटिन्यू ऊपर की तरफ भागता रहा। उसी जगह पे अगर यहाँ पे कुछ सपोर्ट होता, मान लीजिए यहाँ से मार्केट इस तरीके से आ रहा है, इस तरीके से फिर मार्केट ये ऊपर की तरफ आया, फिर अब यहाँ से ये नीचे की तरफ गिर रहा है। तो अब क्या होता ना कि ये इसका क्या था, सपोर्ट है ना, तो ये यहाँ आके फिर क्या करता, घूमता, तो ये यहाँ पे घूमता, तो फिर इसके वजह से मेरे को क्या लेना पड़ता, कॉल साइड से एग्जिट लेना पड़ता, क्योंकि ये यहाँ से रिवर्स होगा तो फिर कॉल का प्रीमियम घटने लगेगा। समझ में आ रहा है कौन सा ट्रेड आपको होल्ड कर लेना चाहिए और ऑल टाइम हाई के पास हो